गलत इस्तेमाल करना हो। जापान ने हिरोशिमा नागासाकी किया था, वर्ल्ड वॉर का भी माहौल बन रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? तो बहुत बड़ा सुरक्षा इसकी कौन है? अगर ये मिसाइल वगैरह, ये बिल्डिंग है ना, अटैक तो होगा वो तो कंफर्म है। ये बिल्डिंग है ना इतनी मजबूत है, इसको जेट आकर टकराएगा ना, ये बिल्डिंग सेफ रहेगी। और अभी इसके ऊपर शायद और बन भी रहा कंक्रीट का कुछ ऐसा, डबल कंटेनमेंट दीवार है, देखो इसमें दिख रहा है, एक अंदर दिख रही है, फट भी दिखा रखा है, एक बाहर है। इसका अगर इस पे गिरती है मिसाइल तो कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्डिंग सेफ है उसके लिए। भूकंप के लिए भी सेफ, तो बम तो डालेंगे अगर कोई युद्ध होगा। सेफ बोल रहा हूं मैं, सेफ है, भूकंप के लिए भी सेफ है, भूकंप आएगा तो बिल्डिंग सेफ रहेगी। और वैसे अगर नुकसान होता है तो कितना नुकसान होगा इससे? अगर ये नुकसान होगा नहीं बेटा, नहीं अगर बाई चांस अगर हुआ तो कितना कितना पूरा एरिया कवर करेगा? जब वर्ल्ड वॉर होगा तो फिर उसे तो कौन रोक सकता है? उसमें तो पता नहीं क्या क्या हुआ। हाँ तो वही तो, ये कितना नुकसान करेगा? नहीं वो तो नहीं होंगे, पर कितना एरिया कवर करेगा? कोई कोई चीज को नाश करने के लिए एरिया कितना कवर करेगा? मोटा मोटा भी आ रहा है ना, उसके बाद आज के ना जापान में ना बच्चे वो तो ठीक है। बाकी मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कोटा भी लपेटे में आएगा, बुरा करना ना उसकी लिमिट नहीं है, हम सिर्फ अच्छे के बारे में सोचते हैं। नहीं अच्छे के बारे में, पर अच्छे के बारे में सोचा तभी तो इसमें डोम बनना शुरू हुआ है। नहीं शुरू से डोम है ना, और भी बन रहा है, उसको डबल कर रहे हैं। अखबार में भी आया था अभी कुछ समय पहले आया था, सिंगल कंटेनमेंट। हाँ भाई डबल करा मैं, कनाडा से जब हमें टेक्नोलॉजी ली थी ना, अब सिंगल कंटेनमेंट था, अभी डबल कंटेनमेंट। और 6 महीने में काम वगैरह पूरा करने का ऐसा कुछ? 2 साल में उसका हम शटडाउन करते हैं, जैसे कार की 7 साल मेंटेनेंस कराते हैं ना, हम 2 साल में इसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। संगीता जी कैसे हैं? क्वेश्चन लेके क्वेश्चन है वो कौन से लेके हमारे शरीर से अंदर पाया जाता है? डी ऑप्शन, डी डी हो गया, डी के अलावा बिल्कुल बी ये कह दीजिए भैया। केवल आगे का हिस्सा है उसमें, तालियां बजा दीजिए बैंक के लिए। कुछ इस तरह दिखता है, आगे भी ये दिखता है, दोनों एंड इस तरह का पार्ट है, बीच में ये क्वेश्चन है। रेडिएशन निम्न द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? मैनेजर डी हो गया रेडिएशन जो है सभी में पाया जाता है, चाहे कोयला हो चाहे यूरेनियम हो, परमाणु में जाना मुझे लंबा है, सभी में रेडिएशन होता है। बच्चों के लिए क्वेश्चन है, इसका प्राइस नहीं है फिर भी बता सकते हैं? हाँ आप कर दो, सभी चीज़ें हैं जो रेडिएशन का स्रोत है।
विश्व में प्रचालित परमाणु बिजली घरों की संख्या रेडिएशन के बारे में बताने की रेडिएशन किस तरह से कहाँ कहाँ मौजूद रहता है और सब जगह मौजूद है, हमारे अंदर भी मौजूद है, जमीन में भी मौजूद है, हमारे जो घर की दीवारें बनी हुई है वहाँ भी मौजूद है। वो तो गैस का मेंटल है, गैस में जो यूज करते हैं ना लाइट जलाने और ये मेंटल है। क्या चीज है ये? तो इसका नापने का यंत्र है, रेडिएशन का नाम है सर्वेमीटर। बी तो हो गया, बैठ जाइए आराम से बैठ रही है, बैठ के सर जवाब देंगे। अभी तो बी का चलिए देखते सही आंसर, द राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या